हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतुपर्णा और मैं आज आपको एक होममेड रेमेडी दिखाऊंगी मुंह का, फेस का टैन रिमूव करने के लिए। अभी समर सीजन है तो आपका तो सन बर्न होता ही है, मुंह पे तो टैन पड़ता ही है, तो इसके लिए तो बहुत काला मुंह हो जाता है, तो इसके लिए रेमेडी तो बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक होममेड रेमेडी दिखाऊंगा। अगर आप इसको हर वीक में एक बार और दो बार अप्लाई कर सकते हैं तो आपका जो एक्सटर्नल टैन होता है वो रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं वो रेमेडी क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं, मैं सब कुछ आप लोग को दिखा दूंगा। चलो, तो टैन को रिमूव करने के लिए फेस से जो जो चीज़ लगेगा वो है ग्राम फ्लावर, मतलब बेसन, कार्ड, एक खट्टा कार्ड होना चाहिए, और एक चीज़ है ये सन बर्न को रिमूव करने में आपको सहायता करेंगे, वो है बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी कोकोनट ऑयल। तो कैसे मिक्स करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको एक बोल पे ग्राम फ्लावर यानी बेसन ले लीजिए, उसके अंदर आपको जो खट्टा कार्ड है वो वाला दे दीजिए। इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर आपको देना है वो थोड़ा सा ही क्वांटिटी में ही दे दीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी मत दीजिए, थोड़ा सा ही दे। मैं 1 टीस्पून वाला क्वांटिटी दे रहा हूँ और उसके अंदर आप कोई कोकोनट ऑयल थोड़ा सा दे दीजिए। ये स्किन को स्मूथ करने के लिए है और थोड़ा सा दे दे सकते हैं, 7-8 ड्रॉप दे सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके मैं आपका इसका थिकनेस दिखाती हूँ। अगर ये मिक्सचर पूरा एक क्वांटिटी से नहीं मिक्स हो जाता तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसके मिक्स होने के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर मिक्स हो गया है तो आपको पानी का कोई ऐड का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये पूरा मिक्स्ड हो गया है, अभी मैं आपको इसका थिकनेस दिखा रहा हूँ। इसका थिकनेस देखिए, ऐसी तरह हो गया है, पूरा इतनी टाइट नहीं है और पूरा लूज भी नहीं है, एक मीडियम सा टेक्सचर आपको तैयार करना पड़ेगा। देख लीजिए, अभी मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मैं मुंह को प्लेन वाटर से धो लिया हूँ, एकदम प्लेन वाटर से, कुछ भी नहीं यूज़ किया हूँ। अभी मैं उस पैक को मैं यूज़ करूँगा, तो ये वाला पैक है। अभी आप इसको अगर ब्रश है तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं और हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी तरह अप्लाई करते हैं।
अभी बोलती हूँ, ब्राउन फ्लावर जो है वो आपका स्किन को क्लीन करने में और टैन को भी रिमूव करने में बहुत ही यूजफुल है। और उसके अंदर जो मैं कार्ड दिया हूँ, कार्ड भी आपको टैन रिमूव करने में, स्किन को ग्लो आने में भी यूजफुल है। और जो मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर दिया हूँ, वो बेकिंग पाउडर टैन, एक्सटर्नल टैन को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। बेकिंग पाउडर इसलिए थोड़ा सा ही यूज़ करना चाहिए, बट बहुत अच्छा ये फ़ायदेमंद है। इसको यूज़ करने के बाद ही मेरा स्किन का जब टैन पड़ता है तब मैं बेकिंग सोडा वाला ये वाला मास्क यूज़ करती हूँ, तो मेरा एक्सटर्नल टैन एकदम रिमूव हो जाता है। नेक में भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है वो आपका स्किन को मॉइस्चर करने के लिए मैं दिया हूँ। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। ये वाला मास्क पूरा मुंह पे अप्लाई कर लीजिए। ये मास्क आप लोग हफ्ते में 2-3 बार अप्लाई कीजिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हल्के से आपके ऊपर दे दीजिए, आई का कॉन्टैक्ट मत हो, हल्के से आप लोग दे दीजिए। जिस जिस पर आपका ब्लैक पैचेस है उसके ऊपर ज़्यादा दे दीजिए। मेरा मुंह के इसके पास, मुंह के इस एरिया में बहुत ही ब्लैक पैचेस हैं, इसे मैं इसमें ज़्यादा दे दिया। मैं इसको मैं पूरा मुंह पे अप्लाई कर लिया हूँ। हल्के हाथ से आप लोग इसको अप्लाई कीजिए। हम लोग का फेस बहुत ही सॉफ्ट जगह है तो इसमें हल्के हाथ से ही रब करना ही ठीक रहेगा। देख लीजिए मैं पूरा मुंह पे अप्लाई कर लिया हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। देख लीजिए पूरा मुंह पे मैं अप्लाई कर लिया हूँ। अभी मैं इसको 30-35 मिनट्स तक सूखने के लिए वेट करती हूँ। आफ्टर 30 मिनट्स आपसे मिलती हूँ। आफ्टर 30-35 मिनट्स देखिए मेरा मुंह पूरा सूख गया है, एकदम टाइट हो गया है। देख लीजिए एकदम पूरा का पूरा टाइट हो गया है, नेक भी टाइट हो गया है। अभी मैं इसको वॉश करके आती हूँ। देख लीजिए आफ्टर मैं प्लेन वाटर से फेस को वॉश करके आ गया हूँ। देखिए मैं बाथ भी कर लिया हूँ पूरा, बाल में भी थोड़ा लग गया था तो मैं बात करके ही आ गया पूरा। तो मैं मुंह को ओनली प्लेन वाटर से ही वॉश किया हूँ, तो मैं मुंह को एकदम सामने से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बोलो एकदम एक्सटर्नल टैन एकदम क्लीन हो गया है। अगर मैं इस मास्क को हफ्ते में 2-3 बार अप्लाई करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा टैन निकल चुका है। एक बार यूज़ करके ही देख लीजिए मेरा स्किन में एक थोड़ा सा ग्लो आ गया है और स्किन भी पूरा क्लियर क्लीन हो गया है और डर्ट निकल चुका है एंड एक्सटर्नल टैन भी रिमूव हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, ये ओनली टैन भी रिमूव नहीं करता, टैन के साथ डार्ट, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी रिमूव करता है ये वाला मास्क।
तो आप लोग जरूर यूज़ कीजिए, आप लोग ज़रूर ये मास्क को यूज़ कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मास्क है। तो आप लोग ये मास्क यूज़ कीजिए, ये होममेड सा मास्क है। सो आप लोग के पास ये सब तो है ही, ये सब चीज़ तो है ही, तो आप लोग का कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो आप लोग ये वाला मास्क मुंह पे, फेस पे, नेक पे, हाथ पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ पे भी टैन पड़ती है, तो यूज़ कीजिए ये वाला मास्क। एंड मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपका क्या रिज़ल्ट मिला आप लोग का। तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, मैं आपको ये 100% गारंटी देती हूँ। और प्लीज़ आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कीजिए। एंड आप अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर आएंगे। तो ज़रूर ये वाला मास्क यूज़ कीजिए एंड मुझे कमेंट पे बताइए। ठीक है, चलो, बाय बाय बाय।